ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरुजी पंडित भगवत सरण शुक्ल जो संप्रति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के विभाग अध्यक्ष रहे, वेदमूर्ति हैं, तपोनिष्ठ हैं और उनको धर्मशास्त्र का पूर्ण ज्ञान है। उन्हें वेदों, उपनिषद, पुराण और गीता के मर्मज्ञ हैं। उनके साथ में हम गीता के 12वें और 13वें श्लोक पर आज चर्चा करेंगे, जिसमें अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो अब वो किस प्रकार से अर्जुन स्तुति कर रहे हैं और उसका क्या अर्थ है, गुरु जी अपने श्रीमुख से करेंगे, जिससे कि हम सभी में ज्योति जले, ज्ञान हो। अब हम चलते हैं अपने गुरु जी की ओर। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडम, त्वमेव त्वमेव सर्वम, मम देव देव। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वतगण, सभी छात्रवृंद, सर्वे सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग दशम अध्याय की चर्चा कर रहे हैं गीता में, जिसमें 11 श्लोकों में भगवान ने कई विषयों का उद्घाटन किया और बतलाया कि भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या हो सकता है और कैसे आत्मसमर्पण उस प्रभु के प्रति करना चाहिए और उसे लाभ क्या होता है। इसका निरूपण हुआ। अर्जुन ने यहाँ पर लगभग 7 श्लोक हैं जिन पर वो प्रश्न करते हैं और उसी प्रश्न से संबंधित 2 पद्यों पर हम लोग विचार करते हैं। अर्जुन उवाच, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्या मादिदेव मजम विभुम आहुस्ताम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तदा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन कहते हैं कि आपका स्वरूप क्या है, आपको ऋषि लोग, सभी ऋषि, उन ऋषियों में मुख्य कौन है, देवर्षि नारद हैं, देव अस्तित्व हैं, देवल हैं, व्यास हैं और आप स्वयं अभी तक जितना आपने उपदेश किया उसमें के दौरान आपने बतलाया अपने को, क्या बतलाया, आप साक्षात परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं और आप जो है पुरुष हैं, शाश्वत हैं, दिव्य हैं, आदि देव हैं, अजन्मा हैं और सर्वव्यापक हैं, ऐसा आपने भी बतलाया। ऋषिगण भी यही बात कहते हैं, दिव्य पुरुष भी इसी बात को कहते हैं और आदि देव आपको कहा जाता है, अजन्मा कहा जाता है, सर्वव्यापी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये स्थिति है, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले है परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र, इसका तात्पर्य क्या है। देखिए, सबके शब्द जो हैं, जितने भी हैं, सभी शब्दों के कुछ ऐसे अर्थ होते हैं जो सामान्य रूप में वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, किंतु उनका एक विशिष्ट स्वरूप होता है। यहां पर परब्रह्म शब्द से भगवान ने उस निर्गुण परमात्मा के विषय में बताया कि आपका निर्गुण स्वरूप ही है जो सर्वत्र व्याप्त है और आप क्या हैं, परम धाम भी आपका है, जिस परम धाम में आप सच्चिदानंद दिव्य रूप में
अपने से अभिन्न होकर के और वहां पर विराजमान होते हैं। आपके नाम है, गुण है, प्रभाव है, लीला है, स्वरूप है, उनका भक्त लोग श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, कीर्तन करते हैं और आप सबको परम पवित्र करते हैं। इसलिए वो परम धाम आपका है और अपने भक्तों को पवित्र करने के कारण आप परम पवित्र माने जाते हैं। और इसी तरह से आप साक्षात आदि पुरुष हैं, शाश्वत हैं, दिव्य हैं, आदि देव हैं, अज हैं, विभु हैं। तो ये जितने विशेषण हैं इसमें आप, उन्होंने भगवान इसमें अर्जुन ने कहा कि सर्वे ऋषयः, इसमें और जो है उसमें साथ साथ में जो है जो भगवान को सनातन कहा गया, आदिदेव कहा गया, विहु कहा गया, अजन्मा कहा गया, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसके विषय में आचार्य लोग कहते हैं कि ये जितने भी ऋषि हैं इन ऋषियों में सर्वे ऋषयः से जो ज्ञान होगा तो सर्वे ऋषयः से यहाँ मार्कंडेय, अंगिरा आदि अन्य ऋषियों के विषय में ये ज्ञान है। बाकी ऋषियों का नाम इन्होंने लिया। और दूसरे क्या है कि ये जो इनका विशेषण है भगवान का, पुरुषम शाश्वतम, तो पुरुष स्वरूप हो गए, सनातन नित्य एक रस वाले हो गए और शाश्वत हैं अर्थात क्षय, न तो उनका क्षय होता है न तो विनाश होता है। दिव्य अर्थात स्वतः प्रकाश ज्ञान रूप हैं और आदिदेव हैं, सबके आदिदेव हैं। अजन्मा है अर्थात उत्पत्ति विकार से रहित है और विभु का मतलब सर्वव्यापी, जिसकी चर्चा की गई। देवर्षि, देवर्षि नारदस्त था, यहाँ पर देवर्षि शब्द का है। अब देवर्षि किसको कहते हैं, कौन है देवर्षि? अब लोग तो नार देवर्षि में नारद का नाम हम लोगों ने सुना है, तो देवर्षि हम किसको कहते हैं, कौन है देवर्षि? तो इसके जो है वायु पुराण में देवर्षि का लक्षण आया है, देवलोक प्रतिष्ठाश्च ज्ञेया देवर्षयः शुभाः देवर्षयस्तथान्ये च तेषां वक्ष्यामि लक्षणं भूतभव्य भवज्ञानं सत्याभिव्याहृतं तथा संबुद्धास्तु स्वयं ये तु संबद्धा ये च वै स्वयं तपसेह प्रसिद्धा ये गर्भय यैश्च प्रणोदितं मंत्रव्याहरिणो ये च ऐश्वर्या सर्वगाश्च ये इत्येते ऋषिभिर्युक्ताः देव द्विज नृपास्तु ते, जिनकी देवलोक में प्रतिष्ठा है वही देवर्ष, जो अर्थात देवलोक में जीव अप्रतिहत गत से जा सकते हैं वो देवर्षि हैं। और उनका लक्षण क्या है, भूत भव्य भव ज्ञानम, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान रखते हैं, सत्याभिव्याहृतम तथा, और सर्वदैव सत्य का ही भाषण करते हैं, असत्य का भाषण नहीं करते। और उनका जो ज्ञान है वो कहीं से अलग से नहीं आया है। संबुद्धास्तु स्वयं ये, स्वयं वो संबुद्ध है, स्वयं उनको वो परम ज्ञान उत्पन्न होता है। संबद्धा ये च वही स्वयं, और स्वयं वो संबद्ध होते हैं। और दूसरे क्या है, तपसा इह प्रसिद्ध, इस लोक में, इस भूवन भूलोक में जो अपने तपस्या के लिए प्रसिद्ध हैं, कितनी कठोर कितनी भयंकर तपस्या जिन्होंने की है। और क्या है, ये गर्भे यैश्च प्रणोदितम, जो 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 ऐसे हैं जो गर्भ से ही जिनके संस्कार बनते हैं, ऐसा नहीं है कि जन्म लेने के बाद वो संस्कार बनते हैं। जब इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रणाली है, एक बहुत बड़ी प्रणाली है जिसकी चर्चा कभी करेंगे कि संतान उत्पत्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए। चार प्रकार की संतान हो सकती हैं, देव संतान, मनुष्य संतान, राक्षस संतान और दानव संतान। कैसे बनेंगे इनके स्वरूप? तो इनके स्वरूप बनने के लिए तादृश प्रवृत्ति आपकी बनेगी,
जब देव प्रवृत्ति बनेगी, जैसे देवताओं के जो लक्षण होते हैं, परम सात्विक होना, परम पवित्र होना, तो वो आपकी दिनचर्या के माध्यम से, आपके व्यवहार के माध्यम से, आपके जितनी संपूर्ण दैनिक क्रियाएं हैं उनके माध्यम से, मन वाणी कर्म से, तीनों से पवित्र होकर के उस परम तपस्यामय स्वरूप आपका बनना होगा, तब सा ये प्रसिद्ध है इत्यादि में जैसा इसका वर्णन किया गया। और ऐसी स्थिति उस जो है उस मातृशक्ति की होगी, जो उसका भी परम पवित्र स्वरूप होगा, और जो अनुकूल शास्त्र विहित समय में जब गर्भाधान होगा तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो देवोपम संतान होगी, ऋषि संतान होगी, और सामान्य स्थिति में जो रहेगा उसको मनुष्य संतान। मनुष्य का मतलब होता है कि जो संपूर्ण परोपकारिता के सिद्धांत को लेकर के समाज की रक्षा में सन्नद्ध होकर के समाज को उन्नत स्वरूप प्रदान करे वो मनुष्य संतान है। और जो मनुष्य के रूप में होकर के सर्वभक्षी जिनका स्वरूप होगा या सर्वनाश स्वरूप होगा, तो सर्वभक्षी स्वरूप है वो राक्षस स्वरूप होता है, और सर्वनाश जो स्वरूप होता है वो दानव स्वरूप होता है, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, प्राय उससे सब कोई परिचित है। तो इसलिए हमें जो स्वरूप जैसा हम चाहेंगे, हमारे शास्त्र जो है देवोपम बनाने का प्रयास करते हैं, और हम मनुष्य बनने की भी स्थिति में अपने को नहीं रखते हैं। तो ये हमारा स्वरूप बनता है, तो इस कारण से हमारी स्थिति गड़बड़ होती है। तो इसलिए वायुपारण पुराण में देवर्षियों का लक्षण बतलाया गया। इसी तरह से देवर्षियों के कुछ और भी नाम है, नारद को तो आप लोग सभी को ही जानते हैं। तो देवर्षि में कौन है? देवर्षि धर्मपुत्र नारायण, नर नारायण, नर और नारायण को भी देवर्षि कहा जाता है, वाल्खिल्यों को कहा जाता है, कृतु को कहा जाता है, करदम को कहा जाता है, पुलह को कहा जाता है, पर्वत और नारद तो भी स्पष्ट ही है। तो ये सब जितने हैं ये सब देवर्षि शब्द के द्वारा जाने जाते हैं। तो इस तरह से ये देवर्ष और देवर्षियों के साथ में असित, देवल और व्यास, इन ये भी सब उस परमात्मा के उस स्वरूप की परिगणना करते हैं जिनकी चर्चा अभी हुई। तो इसलिए भगवान के इन स्वरूपों का वर्णन सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? तो ऋषि ही कर सकते हैं, या स्वयं परमात्मा अपने बातों को कह सकता है। इसलिए अर्जुन ने यहाँ भगवान को बताया कि आपके ये स्वरूप हैं, जिन स्वरूपों का ज्ञान करना सबके वास की बात नहीं है। और तीसरे पद में कहते हैं, सर्वमेतन ऋतम मन्ये जन्मां वदसि केशव नहिते भगवन व्यक्तिम विदुर देवानदानवा, क्योंकि जो कुछ आप जितना उपदेश आपने किया यह तो सर्वमेतत ऋतम मन्ये जन्मां वदसि, जितना जिस बात का जितने इतने सुंदर और अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश जो आपके द्वारा दिए जा रहे हैं, ये सब क्या है? ये रित है। तो रित का कथन आप करते क्या? क्यों? कि हे भगवान, ते व्यक्तिम देवा न दानवा विदु, आपके इस प्रभाव का जो स्वरूप है ज्ञान, न तो देवताओं को है न दानव को है, अर्थात किसी को भी नहीं है, क्योंकि आप ही उसको बता सकते हैं, अन्य की उतनी व्यापकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर भगवान शब्द का व्यवहार हुआ। भगवान किसको कहते हैं? जो संपूर्ण ऐश्वर्य का, संपूर्ण धर्म का, संपूर्ण यश का, संपूर्ण शोभा का, ज्ञान वैराग्य का जो है जो पात्र हो, जो धारण करता हो, जो उत्पत्ति करने में भी समर्थ हो, प्रलय करने में भी समर्थ हो, और जो जितने भी प्राणी हैं उनको मोक्ष दान करने में समर्थ हो, जो विद्या और अविद्या सबको जानता है, उसको ही हम भगवान कह सकते हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप है। तो इस तरह से परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए ये जो है कोई उनके ज्ञान दूसरा कोई नहीं कर सकता है, परमात्मा ही उनके अपने स्वरूप का ज्ञान करके हम लोगों को बता सकते हैं, या ये देवर्षि बता सकते हैं, असित बता सकते हैं, देवल आदि बता सकते हैं। इस तरह से अर्जुन ने
भगवान के एक दिव्य स्वरूप की व्याख्या और उनके स्वरूप की अगम्यता का ज्ञान हम लोगों को कराया। इस प्रकार गुरुजी ने ज्ञान वर्षा के माध्यम से भगवान के स्वरूप जिसकी चर्चा अर्जुन ने की और उसके प्रभाव का विश्लेषण किया, और ये ज्ञान आपको लाभप्रद हो रहा है। तो जो लोग नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।